नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरें लेकर हाजिर होते हैं हम। और अब खबर है नोएडा से। जी हां, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली से सटे हुए तमाम राज्यों में अब स्कूल्स जो हैं वो दोबारा से खुल रहे हैं। और अब इस कड़ी में आपको बता दें कि नोएडा में भी क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स को रीओपन किया गया है। दोबारा से स्कूल खुले हैं, लेकिन तमाम गाइडलाइंस के साथ। क्या वो गाइडलाइंस हैं? बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं, वो कितने एक्साइटेड हैं या क्या कुछ उनकी चिंताएं हैं, वो तमाम बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सोमवार से नोएडा में क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट के स्कूल्स भी रीओपन हो गए हैं और अब छात्र स्कूल जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो बच्चे हैं वो स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन दो शिफ्ट में उन्हें स्कूल जाना होगा। यानी कि बच्चों की जो क्लासेस होंगी वो दो शिफ्ट्स में होंगी। जो पहली शिफ्ट होगी वो 4 घंटे की होगी और दूसरी शिफ्ट जो होगी वो भी 4 घंटे की होगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 50-50%। तो 50% स्टूडेंट्स के साथ जो है पहली शिफ्ट चलेगी और दूसरी शिफ्ट बाकी 50% स्टूडेंट्स के साथ चलेगी। और इस दौरान बच्चों को अपनी क्लासरूम में ही बैठकर लंच करना होगा। लंच टाइम में बाहर नहीं जाना होगा, ग्रुप में नहीं खेलना होगा। साथ ही साथ कोई भी सामान शेयर नहीं करना होगा। तमाम जो कोविड की प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो करना होगा। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि स्कूल्स जाने को लेकर बच्चों का क्या रिएक्शन है, किस तरह से वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं या उनके मन में अभी भी कुछ चिंताएँ हैं, आपको बच्चों की ज़ुबानी सुनवाते हैं। बहुत अच्छा लगा है। हमें पढ़ाई भी सही हुई थी, लेकिन उतना समझ उतना नहीं आया था, क्योंकि सही से समझ नहीं आया था। उसमें दोस्तों से मिलने के बाद अच्छा लगेगा, थोड़ा सा पढ़ने में मिल बात के पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। सर ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होता है। ऑनलाइन में ज़्यादा मतलब ज़्यादा बहुत देर से लगातार पढ़ने से आँखों में दर्द होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम से फिर पढ़ नहीं पाते। तो ये तो बात हुई छात्रों की कि उनका क्या रिएक्शन है। काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद वो स्कूल्स वापस लौटे हैं और अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बच्चे इतने कंफर्टेबल नहीं होते, कई बार उनके डाउट्स रह जाते हैं या फिर कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से, ग्लिच की वजह से वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब क्योंकि स्कूल खुले हैं तो बच्चे वापस से स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि किस तरह से बच्चों का ख्याल रखा जाएगा स्कूल में, किस तरह से कोरोना के नियमों का पालन होगा, क्या क्या नियम उन पर लागू होंगे, ये बताया स्कूल के टीचर ने। सर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी पूर्व से तैयारियां हैं कि जैसे आप देख रहे हैं बच्चों को हम थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइज करा के ही अंदर जाने देते हैं। बच्चे मास्क लगा करके आ रहे हैं और किसी बच्चे के पास मास्क नहीं भी होता है तो यहाँ से विद्यालय में से व्यवस्था की गई है। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं जगह जगह पर हमारी सूचनाएं, उनके लिए निर्देश चेतावनी लगा दी गई है। बच्चे क्लास में कोई भी चीज़ शेयर न करें, केवल बेंचेज पे एक बेंच पे एक बैठा लिया गया है, दूरी का पूरा विशेष ध्यान रखा गया है और बच्चे पूरी संख्या में हर समय हर एक्टिविटी में, कोई बच्चा जाएगा तो बंच में इकट्ठे नहीं जाएंगे, बच्चे दूरी का ध्यान रखेंगे। अभी जैसे कि विभाग के निर्देश हैं कि कक्षाओं के 50% बच्चों को प्रथम पाली में और 50% शेष बच्चों को द्वितीय पाली में विद्यालय बुलाया जाने का, वही उसी तरीके से हमारा टाइम टेबल, उसी तरह से हमारे बच्चों की प्लानिंग है, उसी तरह बैठाने का प्लान है। तो तमाम कोरोना के नियमों का बच्चों को पालन करना होगा। और अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचा रहे हैं, उनकी जो चिंता है वो भी जायज़ है क्योंकि अभी तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और ऐसे में किसी भी लापरवाही की वजह से कोरोना की चपेट में उनके बच्चे ना आए, ये एक चिंता ज़रूर पेरेंट्स के मन में भी है। लेकिन जिस तरह से अब स्कूल दोबारा से खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल आने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट की भी है, टीचर्स की भी है कि किस तरह से वो बच्चों का ख्याल स्कूल में रखेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई संक्रमण ना हो। अब नोएडा में स्कूल खुल रहे हैं लेकिन अभी जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो दिल्ली के छात्र हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके स्कूल खोलने को लेकर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि 25 अगस्त को DDMA की जो रिपोर्ट है, जो कमेटी है, वो रिपोर्ट सौंपेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और LG अनिल बेजल को और उसके बाद ये फैसला होगा कि दिल्ली में स्कूल
खोले जाएंगे या फिर नहीं खोले जाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या SOPs रहेंगे। फिलहाल दिल्ली के जो छात्र हैं उन्हें अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, लेकिन नोएडा के छात्र जो क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब नोएडा में स्कूल खुल चुके हैं। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।